हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते, प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र नाम मोदी ने आपका? बुधवार को उत्तराखंड की सभा मत बोल सिलकेहरा रहा हूँ सुरंग सर, से बाहर नवयुगा निकाले गए इंजीनियरिंग कंपनी मजदूरों से बात लिमिटेड की। से सर। दिल्ली से फोन पर मजदूरों से बात करते हुए देखिए, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन जो है निर्माणाधीन सुरंग में मलबे उसको के पीछे स्पीकर पे फंसे रखा है चुनौतीपूर्ण ताकि चार मेरे सौ साथ जो घंटों लोग के बैठे दौरान हैं साहस वे भी और आपकी बातें सुनना आत्मविश्वास बनाए चाहेंगे। रखने के लिए सबसे उनकी पहले खुले तो दिल मैं से सभी तारीफ की। आपके आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस किया, वीडियो कॉलिंग से उन सब से बात हुआ है और बहुत अच्छा वो लोग महसूस किए हैं। कल सारे उनके 18 दिन की जो तपस्या थी कल फलीभूत हो गई है। 17 दिनों तक चला बचाव अभियान मंगलवार शाम को खत्म हुआ। सभी 41 मजदूरों को चिन्याली सौड़ में एक अस्पताल में रखा गया है। मजदूरों के रिश्तेदारों का कहना है कि वे लोग ठीक ठाक हैं। देखने के बाद तो बहुत खुशी हुई और उत्तराखंड के सरकार के साथ मिनिस्टर भी एक थे, तो जिस हिसाब से स्वागत अंदर में हुआ उस हिसाब से तो बहुत खुश लगा। बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और कल वहाँ से जब हम लोग चले तो पूरे रोड के किनारे दिवाली मना रहे, पटाखे फोड़ रहे थे लोग, और जो है दोनों हाथ जोड़ करके सबको जो है प्रणाम कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। चलिए, मेरा बड़ा भाई सुरक्षित आ गया, वही मेरे लिए सबसे बड़े बात है, मेरे लिए वही है। अच्छा, रेस्क्यू के बाद मजदूरों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने घर वालों से बात की। आनंद लगे बेरिए कतटा आनंद लगे। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रहने वाले दो मजदूरों सौरभ पाखेरा और जॉयदीप प्रमाणिक के घर वालों ने सभी मजदूरों की जान बचने पर खुशी जताई।17 दिनों तक आशा और निराशा के बीच चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव कर्मियों ने सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को मंगलवार को बाहर निकाल लिया।